क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने राजीव आरोग्य श्री स्कीम के तहत टैक्सी ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑटो ड्राइवर्स के लिए 5 लाख रुपए की हादिसाती पॉलिसी मुतारुफ कराने और 10 लाख रुपए तक की तिब्बी देखभाल का वादा किया। उन्होंने अहदेदारों को ये भी हिदायत की कि वो एक स्विगी डिलीवरी बॉय के खानदान को 2 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करें जो कुत्ते के पीछा करने और इमारत की चोटी से गिरने से मर गया था। चीफ मिनिस्टर ने ओला की तर्ज पर टी हब की तरफ से तैयार करदा ऐप को दस्तियाब कराने का भी यकीन दिलाया। उन्होंने हफ्ता 23 दिसंबर को नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में कैब ड्राइवरों, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑटो ड्राइवरों को दरपेश मसाइल का पता लगाने के लिए एक मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने इन पेशे में दरपेश मसाइल और चैलेंजेस के बारे में दरियाफ्त किया। वजीर आला ने कहा कि उनकी तरफ से उठाए गए तमाम मसाइल पर गौर किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत समाजी तहफ्फुज़ फराहम करने की जिम्मेदारी लेगी। AICC के रहनुमा राहुल गांधी ने पहले ही गैर मुनज्जम कारकुनों के लिए मुलाजिमतें और समाजी तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए ज़रूरी इकदामात करने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत इस सिमत में पॉलिसी फैसला करेगी। रेवंत रेड्डी ने वादा किया कि रियासती हुकूमत राजस्थान में मौजूदा पॉलिसी का मुताला करेगी और अगले रियासती बजट इजलास में एक मौसर कानून मुतारुफ कराएगी।